धमतरी जिले में धर्मांतरण का दबाव बनाए जाने से परेशान एक युवक ने आत्महत्या कर ली है। वहीं आत्महत्या की सूचना मिलने पर अर्जुनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फांसी के फंदे से उतार कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि ग्राम पोटियाडी निवासी नीलेश साहू ने अपने घर में बीती रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। परिजनों को जानकारी होने पर इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं युवक ने मरने से पहले अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में धर्मांतरण को लेकर उनके ऊपर बनाए जा रहे दबाव का जिक्र किया। मृतक ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लिखा कि धर्मांतरण के लिए उसकी पत्नी, सास और अन्य रिश्तेदारों के द्वारा लगातार दबाव बनाया जा रहा है, जिसके चलते युवक ने यह कदम उठाया है। हालांकि पुलिस अब मृतक के मोबाइल को जब्त कर मामले की जाँच में जुट गई है। धमतरी से वैभव चौधरी की रिपोर्ट। ग्राम पोटियाडी थाना अर्जुनी क्षेत्र के अंतर्गत दिनेश साहू नामक व्यक्ति ने जो है वो सुसाइड किया हुआ है और अभी पुलिस जो है वो जांच कर रही है।